फिनॉल्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल देखा था, और फिर हमने ये देखा था कि भाई फिनॉल में जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन ऑफ द लोन पेयर ओवर द ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट्स इन द डीलोकलाइज सिस्टम ऑफ बेंजीन और ओवरलैप्स इन द डीलोकलाइज सिस्टम ऑफ बेंजीन, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो इजली जो है वो निकल सकता है ऑक्सीजन से, ठीक है। और फिर हमने ये कुछ रिएक्शन देख इसको कंपेयर किया था अपने नॉर्मल एलिफैटिक एल्कोहल्स और फिनॉल्स को, तो जो रिएक्शन सारे के सारे एल्कोहल्स के होते थे वो सबके सब तो नहीं होते फिनॉल के साथ, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल में जब हम PCl5 डालते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वे क्लोरीन रिप्लेसेस सब्स्टिट्यूट्स द OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप और हैलोजन एल्केन बन जाता है। लेकिन फिनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाता, मतलब Cl जो है उसमें OH को रिप्लेस नहीं कर पाता, रीजन बीइंग बिकॉज वन ऑफ द लोन पेयर्स ओवर द ऑक्सीजन एटम इज ओवरलैपिंग विद द बेंजीन डीलोकलाइज सिस्टम, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिटवीन कार्बन और बेंजीन एंड ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर क्लोरीन टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सिमिलरली कुछ रिएक्शन सिमिलर भी होते हैं, जैसे एलिफेटिक एल्कोहल्स में इथेनॉल था, इथेनॉल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल तो इट प्रोड्यूसेस सोडियम ईथॉक्साइड, सिर्फ हाइड्रोजन को हटाएगा सोडियम मेटल और ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, मतलब आयनिक कंपाउंड बनेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए दिखाया हुआ है टू शो के भाई ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाए, क्योंकि मेटल ने तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाना है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो दिस इज नोन एज सोडियम ईथॉक्साइड, ईथॉक्साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो कार्बन है, अदरवाइज जनरल नेम वुड बी एल्क ऑक्साइड, मतलब अगर प्रोपेनॉल होगा तो वो सोडियम प्रोप ऑक्साइड कहलाएगा। पे लेट्स से अगर यहाँ पे हम लोग प्रोपेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH एंड सोडियम, तो दिस वुड हैड फॉर्म CH3 CH2 CH2O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, दिस वुड हैव बीन कॉल्ड एज सोडियम प्रोप ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनती है साथ में। इसी तरह फिनॉल के साथ जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन इसमें हटा देगा वो और ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एल्कोहल्स का जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, एस्टर्स बनते हैं, इसी तरह फिनॉल का भी एस्टर बनता है, फिनाइल। देखो जैसे यहाँ पे एल्कोहल जो है वो फिनॉल है और एसिड प्रोपेनोइक एसिड है, तो दिस वुड बी फिनॉल, जैसे एल्कोहल के नाम के साथ बायल आ जाता है ना, ये इथेनॉल है तो उसको हम इथाइल बोलेंगे, और एसिड जो है वो प्रोपेनोइक एसिड है तो उसको हम प्रोपानोएट बोलेंगे, इथाइल प्रोपानोएट। इसी तरह एल्कोहल यहाँ पे फिनॉल है तो इसके नाम के साथ बायल आ जाएगा, दिस वुड बी फिनाइल, और एसिड प्रोपेनोइक एसिड है तो फिनाइल प्रोपानोएट, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अच्छा, फीन ऑक्साइड को फिर हमने कंपेयर किया था, भाई फीन ऑक्साइड जो होता है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, रीजन बीइंग बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है डीलोकलाइज सिस्टम में, जिसकी वजह से ये जो एच पॉजिटिव आयन है इट कैन इजली आयोनाइज इनटू सॉल्यूशन, और फिनॉल जो होते हैं वो एच पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन देते हैं वाटर के अंदर वो 1 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से फिनॉल्स आर कंसिडर्ड टू बी एसिडिक, whereas ethanol they are not considered to be acidic, क्योंकि ethanol अपना hydrogen इतने easily नहीं lose करता, कोई भी aliphatic alcohol अपना hydrogen इतनी easily lose नहीं करता, carboxylic acid करता है, और carboxylic acid में भी hydrogen lose होने का चक्कर वही है कि जो carbon oxygen ये जो system बना हुआ है ये delocalized system है, तो ये जो oxygen है इसके जो lone pair है वो पीछे वाले oxygen की तरफ attract हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से ये जो hydrogen है कैन गेट आयोनाइज इजली, ठीक है, ये सारी बातें हमने की थी, इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी थी सारी, और फिर हमने एस्टेब्लिश कर लिया था कि जो फिनॉल्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और लेकिन जो हमारे क्या कहते हैं एल्कोहल्स होते हैं एलिफेटिक स्टेट चेन एल्कोहल दे आर नॉट एसिडिक, वो एसिडिक नहीं होते। क्यों फिनॉल एसिडिक होते हैं, जो एग्जाम में आपने आंसर लिखा है वो लिखना है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल, because phenol ionizes to form a more stable negative ion or phenoxide ion, so equilibrium stays further towards right hand side, obviously
फिनॉल एक वीक एसिड है, वीक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी वीक एसिड है, वीक एसिड की आयनाइजेशन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, इसलिए वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात चल रही है इसमें, ठीक है। और फिर हमने कंपैरिजन किया था कि भाई मिनरल एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, फिर वाटर और फिर आपके नॉर्मल अल्कोहल्स, ठीक है। यहाँ तक हमने ये डिस्कशन किया था, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर था यहाँ तक? कोई सवाल है? मतलब अब रिएक्शंस ऑफ फिनॉल को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो बल्कि नहीं, रिएक्शंस में हमने सोडियम मेटल वगैरह तो ऊपर देख लिया, बाकी कुछ और रिएक्शंस हैं फिनॉल्स के वो देख लेते हैं। चले ना आगे, सलमान शहजल। देखो फिनॉल के जो रिएक्शन है ना, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक तो फिनॉल को अगर हम देखते हैं तो फिनॉल में बेंजीन रिंग भी है और OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी है। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स के अपने कुछ रिएक्शंस होते हैं और बेंजीन रिंग के अपने रिएक्शंस होते हैं, तो दोनों तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप OH नेगेटिव और रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग के साथ जो सब्स्टिट्यूशन होती है। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन इनटू बेंजीन रिंग, दोनों तरह की रिएक्शन एक साथ ही देख लेते हैं। कोई अल्कोहल के साथ ज्यादातर हम इंटरेस्ट OH के तो हमने रिएक्शंस देखने ही है, पहले भी देखे हैं अल्कोहल्स के साथ। ज्यादातर बेंजीन में हम लोग अभी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो फ्रेश पड़ रहे हैं। अच्छा, पहला रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विथ सोडियम मेटल, ये ऑलरेडी भी अभी देख चुके हैं हम लोग। दोबारा इसको ना प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेते हैं सारे रिएक्शंस को। अब सोडियम मेटल के साथ फिनॉल जो है वो रिएक्ट करेगा जैसे कि अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं, साथ साथ अल्कोहल्स को भी कंपेयर कर लेंगे ताकि आपको पता हो कि कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें अल्कोहल तो रिएक्शन कर रहा है लेकिन फिनॉल नहीं कर पा रहा। जैसे ये OH है, इसमें हमने लेट से सोडियम मेटल डाला है, तो ये बन गया सोडियम फीन ऑक्साइड और साथ में हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्योंकि ये गैस सॉल्यूशन में बन रही है, फिनॉल लिक्विड है, तो इसके बबल्स मिलेंगे हमें, बबल्स ऑफ अ गैस। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है? जैसे सोडियम फीन ऑक्साइड,
दिस सोडियम फीन ऑक्साइड इज बेसिकली सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में एक्वस बन जाता है, मतलब डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि सोडियम अभी चलो यहाँ पे फायदा नहीं है सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने का, क्योंकि पानी तो है ही नहीं। अभी अल्कली के साथ जब ये रिएक्शन देखेंगे ना, तो फिर हम पानी की बात करते हैं। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन रिकॉल करो, जिसमें वी यूज टू हैव नॉर्मल एल्कोहल्स जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यस ये रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में हमारे पास सोडियम एल्क ऑक्साइड बन जाएगा। अब डिपेंड करता है एल्कोहल कौन सा है, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्कोहल है, इथेनॉल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5OH रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल, तो इट विल फॉर्म C2H5, एच हट जाएगा एंड विल गेट ओ ओनली एन सोडियम। इस पे अक्सर हम ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसलिए लगाते हैं दिखाने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो सोडियम आयन बना है, ना भी लगाओ तो कोई इशू नहीं है, एन हाइड्रोजन गैस। दिस इज नोन एज सोडियम ईथ ऑक्साइड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी तो ये रिएक्शन होता है ना। अगर मैं किसी एसिड में मेटल डालूं, तो एसिड एंड मेटल दे डू रिएक्ट, सिमिलर सिमिलर रिएक्शंस है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स ए वी हैव इथेनोइक एसिड, और जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट सोडियम इथानोएट एंड वाटर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, आगे बढ़े। रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद एल्केली। अब एल्केली हम लोग जो लेंगे दैट वुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स से वी हैव फिनॉल रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगेन प्रोडक्ट में सोडियम फीन ऑक्साइड ने बनना है, और साथ में वाटर, बिकॉज फिनॉल आर कंसिडर्ड टू बी एसिडिक, राइट? सो दे शुड रिएक्ट विद एल्केली। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट बना है जिसे सोडियम फीन ऑक्साइड, सॉल्ट की तरह होगा ये, एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल, क्योंकि वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो आपने एक्वस फॉर्म में लिया होगा ना, तो वाटर तो है, और ये रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है रिएक्शन, वो पहले वाले भी रूम टेम्परेचर पे ही हो रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप जरा ये रिएक्शन रिकॉल करो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या वो एल्केली के साथ रिएक्ट होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एसिड और एल्केली रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड
एंड ऑफ कोर्स इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट विच इज सोडियम इथेनोएट एंड वाटर. अच्छा नाउ माय क्वेश्चन इज विल अ सिंपल एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल रिएक्ट विद एल्कली. क्या एल्कोहल और एल्कली का कोई रिएक्शन पढ़ा है आपने? एल्कोहल रिएक्ट नहीं होगा एल्कली से बिकॉज एल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक. अभी हमने बात की ना एल्कोहल मेटल के साथ जरूर रिएक्ट करता है बट एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद एल्केली. मतलब C2H5OH इथेनॉल ले लो और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो वो कोई रिएक्शन नहीं है. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा. फिनॉल्स के साथ क्यों रिएक्शन हो रहा है? बिकॉज फिनॉल्स आर ऑल्सो एसिड एल्केली का. लेकिन अल्कोहल एसिडिक नहीं है तो उनके साथ रिएक्शन नहीं होगा. क्लियर है ये बात? इसी तरह फिनॉल्स का ओएच के साथ और भी तरह के रिएक्शन है जैसे एस्टरिफिकेशन है. एस्टरिफिकेशन भी हमने ऊपर देख लिया है. उसको हमने डिटेल बना लिया था तो अब जरूरत नहीं है यहाँ पे एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स. विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे हमारे पास ये फिनॉल है और लेट से वी हैव प्रोपनोइक एसिड रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. प्रोडक्ट में वी विल गेट एस्टर एंड वाटर. ठीक है. और ये जो एस्टर है इसका नाम क्या होगा? देखो दिस इज फिनॉल दिस इज प्रोपनोइक एसिड एस्टर वुड बी कॉल्ड एज फिनाइल. एल्कोहल के नाम के साथ वायल आते हैं ना तो इसे फिनॉल के नाम के साथ वायल फिनाइल प्रोपनोएट. डन. आगे बढ़े. अच्छा ये तो हमने पहली कैटेगरी वाले रिएक्शन देखे जिसमें फिनॉल का ओएच इन्वॉल्व है रिएक्शंस में. अब दूसरी कैटेगरी वाले रिएक्शंस वो हैं जिसमें बेंजीनिंग इन्वॉल्व होगा. मतलब रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनटू बेंजीनिंग. रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स with
ये तो इतनी रिएक्शन ऑफ, बल्कि ना इसको इस तरह से नहीं देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फिनॉल रिंग, ये ना कंफ्यूजिंग हो जाएगी हेडिंग। इट्स बेटर यू राइट रिंग रिएक्शंस विद फिनॉल्स। और जो फिनॉल्स का रिंग है दैट इज बेंजीन रिंग, और उसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे बेंजीन में हुआ था, मिथाइल बेंजीन में हुआ था, वैसे ही फिनॉल में भी होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनटू बेंजीन रिंग। देखो भाई, फिनॉल्स में जो OH फंक्शनल ग्रुप है, हमारे हमें पता है कि कुछ ग्रुप जो होते हैं वो 2, 4, 6 पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, कुछ 3, 5 पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो OH इज वन ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप्स विच एक्टिवेट्स 2, 4, 6 पोजीशन, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ये OH इन फिनॉल्स। एक्टिवेट्स 2, 4, 6 पोजीशन ऑफ बेंजीन। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि OH ग्रुप जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है, उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ओवरलैप करता है इनटू पाई डिलोक्लाइज सिस्टम ऑफ बेंजीनिंग, तो इट एक्टिवेट्स 2, 4, 6 पोजीशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होगा फिनॉल में वो अब 2, 4 और 6 पोजीशन पे लगेगा, और इसकी वजह से फिनॉल्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। जैसे मिथाइल बेंजीन 2, 4, 6 पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा था ना, मिथाइल उसमें बेंजीन की, वो मिथाइल बेंजीन जो है वो मोर रिएक्टिव देन बेंजीन होता है। इसी तरह फिनॉल्स आर ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, मतलब फिनॉल्स और मिथाइल बेंजीन इजली रिएक्ट कर जाते हैं अंडर डाइल्यूट कंडीशंस, कंसेंट्रेटेड एसिड या कैटलिस्ट लेने नहीं पड़ते, और मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाती है उसमें। मतलब 2 पोजीशन पे भी लग सकता है, 4 पे भी लग सकता है, 6 पे भी लग सकता है एट द सेम टाइम। बेंजीन में मुश्किल होता है ये काम करवाना, क्योंकि बेंजीन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ तो वो ज्यादा ससेप्टेबल कर देता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये बात पहले भी डिस्कस हुई भी है ना, इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि याद रहे आपको बाद में। व्हिच ग्रुप हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम विच ओवरलैप्स इनटू पाई डीलोकलाइज सिस्टम ऑफ बेंजीन रिंग।
सो एक्टिवेट्स टू फोर और सिक्स, फोर और सिक्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री या कॉरेस्पॉन्डिंग टू इच अदर, तो फोर या सिक्स कह लो, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होगी तो फिर फोर और सिक्स दोनों पे हो जाएगी। सिक्स पोजिशंस, ठीक है। सो फिनॉल्स आर मोर सेप्टेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से फिनॉल्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। And this allows phenols to react with reagents that are more dilute and undergo एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन भी इजली हो जाएंगी, मतलब टू पोजीशन पे भी लग गया, साथ में फोर पे भी लग गया और सिक्स पे भी लग गया। अंडरगो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस विद ईज। आगे बढ़े हैं, लिख लिया यहां तक। अच्छा, आप देखते हैं रिएक्शंस कुछ जैसे पहले जैसे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन देखा था, फिर क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन देखा था, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। पहले नाइट्रेशन देख लेते हैं इसका। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स, रिएक्शन मैकेनिज्म तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होना है इसमें भी, ठीक है। वो मैं बना नहीं रहा, आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन रिंग उसको अटैक करेगा, डिलोकलाइज सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, फिर दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट बस ये लिख लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें जो होना है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल को हमने रिएक्ट करवाना है नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है।
अच्छा इसमें जो है ना फिर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट इज वेरी मच एक्टिव देन बेंजीन, तो बहुत इजीली हो जाता है रिएक्शन। बेंजीन के साथ हमें कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है, लेकिन अगर इसमें मैं सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ले लूँ ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी 2, 4 या 6 पोजीशन में से किसी एक में, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कहीं ना कहीं लग जाएगा, मतलब जैसे यहाँ लगा दिया NO2, इधर भी लग सकता है जैसे सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे भी लग सकता है। अच्छा देखो ये वाला, एक तो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन हम ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब कि नाइट्रो में एक यहाँ लगा दूं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट वाले की नंबरिंग करूंगा तो उसके हिसाब से जैसे दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, दिस इज 2 नाइट्रोफिनॉल। अच्छा जो लास्ट वाला है इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे तो फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग थोड़ी करूंगा, मैं तो ऐसी नंबरिंग करूंगा कि सेकंड नंबर जो है नाइट्रो जो है वो छोटे नंबर पे आए, तो ये भी 2 नाइट्रोफिनॉल है, तो ऊपर वाला और लास्ट वाला दोनों सेम है, तो इनमें से कोई एक बनाएंगे, या ऐसा समझ नहीं है एक दूसरे के, तो मैं नीचे वाला हटा रहा हूं। तो फर्स्ट वन इज 2 नाइट्रोफिनॉल, और नीचे वाला हो जाएगा दिस इज 4 नाइट्रोफिनॉल, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, डाइल्यूट कंडीशंस पे ये रिएक्शन हो रहा है, हीट भी नहीं करना पड़ता, मतलब इट विल हैपन एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज फिनॉल के साथ जो OH लगा हुआ है ड्यू टू विच फिनॉल्स आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, सो ईज ऑफ रिएक्शन हैज इंक्रीज्ड। Phenols are more reactive than benzene, so ease of reaction has इंक्रीज्ड, लेकिन बेंजीन के साथ हमने कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कैटलिस्ट भी लिया था कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज विद बेंजीन वी नीड concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid or at 55 degree celsius का temperature भी लिया था, तब जाके नाइट्रो बेंजीन बना था।
आ गया याद। आगे बढ़े। अच्छा, अगर हम कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल के साथ ले लें तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी अगर विगरस कंडीशंस ले लेंगे तो। मतलब इफ वी टेक रिएक्टिंग फिनॉल्स कंसेंट्रेटेड HNO3 तो फिर जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है वो एक साथ ही 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, इसी तरह ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल्स भी देख लेते हैं, जैसे ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन और मिथाइल बेंजीन देखा था। ब्रोमीन इसमें हम डालेंगे रूम टेम्परेचर पे, हीट करने की जरूरत नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पे ही ब्रोमीन। अब इसमें कैटलिस्ट भी नहीं लेना हमने, उसमें बेंजीन और मिथाइल बेंजीन भी इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ होता जितना ये हुआ हुआ होता है। तो मिथाइल बेंजीन में भी हमने कैटलिस्ट लिया था, लेकिन फिनॉल्स के साथ हमें कैटलिस्ट भी नहीं लेना पड़ेगा। जिस तरह से एल्कीन्स के साथ होता था ना रिएक्शन, वैसे ही हो जाएगा। और 3 हाइड्रोजन निकलेंगे फिर, 3 सब्स्टिट्यूशन हुई है ना, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब ना तो इसमें हमें कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है
नो कैटलिस्ट एंड नो हीट, ना ही हीट करना है इसको। बेंजीन के साथ हमें कैटलिस्ट भी चाहिए था, तो विद बेंजीन क्या आता है ये रिएक्शन? बेंजीन में जब एक्वस ब्रोमीन हमने डाला था, अच्छा ब्रोमीन हम ये एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, तो कैटलिस्ट किया था AlBr3 और साथ में हीटिंग भी की थी, तब जाके सब्स्टिट्यूशन हुई थी ब्रोमीन की। अच्छा ये जो ऊपर प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होगा? दिस इज तीन ब्रोमीन लगे हुए ना, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये ट्राई ब्रोमो फिनॉल होता है ना, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ये भी याद रखना। ये बेसिकली टेस्ट, ये रिएक्शन जो है ना वो टेस्ट फॉर फिनॉल्स भी है। जैसे टेस्ट फॉर एल्कीन्स में आप ब्रोमीन डालते हो तो ब्रोमीन डीकलराइज हो जाती है, तो इसमें भी ब्रोमीन डीकलराइज हो जाएगी और क्या होगा, साथ में व्हाइट सॉलिड भी बनेगा, व्हाइट पीपीटी भी मिलेंगे आपको। दिस इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर फिनॉल्स। इसको हम लिख लेते हैं इस बात को, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर फिनॉल्स, एज फिनॉल्स डिक्लेराइजेस ब्रोमीन, डीकलराइजेस ब्रोमीन का मतलब फ्रॉम ऑरेंज टू कलरलेस, और ये काम रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो फॉर्म ना। Is also formed. और ये जो व्हाइट पीपीटी बना है बेसिकली ये क्या चीज है? दिस इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, दिस इज टेस्ट फॉर फिनॉल। क्लियर है यहाँ तक?
इसी तरह क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल्स भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिनॉल है, उसमें हम एक्वस क्लोरीन डाल दें, जैसे एक्वस ब्रोमीन डालना है, एक्वस क्लोरीन। तो जो एक्वस क्लोरीन होता है उसका जो कलर होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, सॉल्यूशन जो होता है क्लोरीन का। और क्लोरीन भी रूम टेम्परेचर पे इसके साथ रिएक्ट कर जाती है विदाउट हीटिंग, विदाउट कैटलिस्ट। और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, जैसे सी एल सी एल सी एल, तीन क्लोरीन लग जाएंगे। और ये भी जो है ना वो वाइट प्रेसिपिटेट ही होता है, वाइट सॉलिड ही होता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 2,4,6 ट्राई क्लोरो फिनॉल, दिस इज ऑल्सो वाइट सॉलिड, या वाइट पीपीटी लिख लो उसको। तो साथ में HCl बनेंगे 3 मोल। क्लियर है यार? फिनॉल्स के और भी रिएक्शंस हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन, एसाइल क्लोराइड के साथ फिनॉल्स के रिएक्शन है। अब हम उन चैप्टर्स के साथ कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के फिर एस्टरिफिकेशन वैसे तो डिस्कस कर लिया, एक बार और वहां पे डिस्कस करेंगे उसको। साइल क्लोराइड्स के साथ जो रिएक्शंस है वो वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी जितने रिएक्शंस पढ़े हैं उन्हीं को अगर समराइज करें, तो अभी पूरे फिनॉल में हमने कौन कौन से रिएक्शंस देखे हैं?
सबसे पहले हमने फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ देखा एक तो, और ये होता है रूम टेम्परेचर पे, दिस इज टेक्स प्लेस एट आरटी। और इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है सिर्फ वो हटेगा और उसके साथ सोडियम आके लग जाएगा एन ए, दिस इज सोडियम फीन ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है हाफ मोल। अच्छा, फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली के साथ फिनॉल का रिएक्शन देखा, और ये रिएक्शन इसमें हम एक्वस एल्कली लेते हैं और इसने भी रूम टेम्परेचर पे ही होना है आरटीपी पे, मतलब हीटिंग नहीं कर रहे, कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनना है सोडियम फीन ऑक्साइड और साथ में वाटर बनना है, हाइड्रोजन भी बनना है। अच्छा, और हमने ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन देखी, जिसमें हम लोग बी आर एक्वस ब्रोमीन ले रहे हैं, और ये भी हमने रूम टेम्परेचर पे किया है। ब्रोमीन डालते हैं तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन तीनों जगह पे हो